नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। भारत के हाथ से वेस्ट इंडीज दौरे का क्लीन स्वीप होने का मौका हाथ से निकल गया। टेस्ट और वनडे सीरीज अपने नाम करने वाली टीम इंडिया को टी20 सीरीज में चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत को 5 मैचों के सीरीज में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज के सीरीज के आखिरी मैच में भारत को 8 विकेट से हराया और 6 साल बाद टीम इंडिया के खिलाफ कोई टी20 सीरीज अपने नाम की। वही सीरीज में ये चौथा मौका था जब गिल ने सिंगल डिजिट स्कोर पर अपना विकेट खोया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में 3 और दूसरे मैच में 7 और तीसरे मुकाबले में 6 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने चौथे टी20 मैच में 77 रन की शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि शुभमन गिल एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वो केएल राहुल को पछाड़कर इस मामले में नंबर 1 पर बन गए। शुभमन गिल वेस्टइंडीज सीरीज में जहां 4 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर पवेलियन, तो वहीं केएल राहुल साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3 बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। वहीं गिल को खराब प्रदर्शन की वजह से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया को बैटिंग ने खराब शुरुआत से जूझना पड़ा और यही वजह रही कि टीम इंडिया के कारण ही इस सीरीज में नाकाम रही। सिर्फ चौथे टी20 मैच में जायसवाल और शुभमन गिल की 165 रनों की साझेदारी को छोड़कर बाकी चारों मैच में ओपनर्स अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे। शुभमन गिल और ईशान किशन ने पहले 2 मैचों में ओपनिंग की लेकिन वो फेल रहे, जबकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बाकी 3 मैच खेले। गिल ने 5 पारियों में 102 रन बनाए जिसमें 77 रन एक ही इनिंग में आए थे। वहीं जायसवाल ने 84 रन की पारी खेली। इसके अलावा 3 मैचों में 90 रन बनाए। ईशान किशन ने 2 पारियों में सिर्फ 32 रन बनाए। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या अपने फैसलों से ज्यादा खुद के प्रदर्शन के कारण निराश होंगे। इस पूरी सीरीज में ना तो वो बल्ले से कोई कमाल कर सके और न ही गेंदबाजी में कोई कमाल कर पाए। हार्दिक ने 4 पारियों में मात्र 77 रन की पारी खेली जिसमें स्ट्राइक रेट 110 का रहा। वहीं 5 पारियों में 15 ओवर की गेंदबाजी में 4 विकेट भी लिए। आखिर मैच में उन्होंने 18 गेंदों में 14 रन बनाए जबकि 3 ओवरों में 32 रन लुटाए और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। वहीं अक्षर पटेल का बैटिंग और बॉलिंग में अजीबोगरीब इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि टीम इंडिया इस मैच में बल्ले के साथ ही साथ गेंद से भी फ्लॉप रही। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी एक बड़ी गलती को भी इस हार के लिए जिम्मेदार बताया। टीम इंडिया की हार में खराब बल्लेबाजी की सबसे बड़ी भूमिका रही जिसमें खुद कप्तान हार्दिक पांड्या भी शामिल थे। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने माना कि बल्ले से उनकी नाकामी भी इसकी वजह रही। हार्दिक ने कहा कि वो शुरुआत से मिले प्लेटफॉर्म का आखिरी 10 ओवर में फायदा नहीं उठा सके। अपनी बैटिंग के बारे में बात करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा कि उन्होंने काफी वक्त लिया लेकिन उस हिसाब से जरूरी फिनिशिंग नहीं कर पाए। खैर, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो Facebook या फिर Instagram पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।